हेलो। हेलो। हाँ जानवी। हाय मुरली, कहाँ हो? कॉलेज में? क्लास ले रहा हूँ। गेस व्हाट, मैं तुम्हारे कॉलेज में हूँ। कैको, प्रिंसिपल से मिलने आई हूँ। क्यों? पहले मिलो फिर बताती हूँ। देखो अपुन आता है लेकिन प्रिंसिपल से नहीं मिलेगा। क्यों? देखो तुम कैंटीन में वेट करो, अपुन क्लास खत्म करके 10 मिनट में आता है। ओके प्लीज। ओके रिलैक्स, मैं यही बैठी हूँ। हाँ ये सर्किट इमरजेंसी है, चल। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। ए ये मुझे हम कर दे यारो, घड़ी के कांटे भागे। हेलो जानवी। हाय मुरली। देखो तुम उस प्रिंसिपल का बिल्कुल विश्वास नहीं करने का, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, कभी कभी तो टोटल मेमोरी लॉस है। अब उनके क्लास में आके बोलता है कि तुम कौन है। रिलैक्स, इतने एक्साइटेड क्यों? एक्सक्यूज मी, एक मिनट, बिजी है ना यार ये बदतमीज। 3 महीने में एक बार कॉलेज आते हो और वो भी सारा दिन कैंटीन में बैठे रहते हो। चलो ये कौन है? चलो अंदर। ये वो बोगल का प्रोफेसर है। Who is he? Must be his father. लेकिन तुमको ये प्रिंसिपल से क्यों मिलने का है? कल आत्माराम जी का बर्थडे है और मैंने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की है। आत्माराम बोले तो वो इस ना जिसका लड़का उसको घर के बाहर छोड़ के गया। हरी बाल की दुकान, चल। वो उसे बहुत मिस करते हैं, उसका फोन ट्राई करते रहते हैं और वो है कि उठाता ही नहीं है और कॉल बैक भी नहीं करता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाय बाय सर। बाय। चल बता प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, क्या पढ़ाते हैं प्रोफेसर। ये तो पूरे सिंह की वाट लगा देगा यार। दुबे जी मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपको तो प्रिंसिपल होना चाहिए भाई। प्रिंसिपल? प्रिंसिपल को देखा है आपने? ये कोई प्रिंसिपल है? एकदम चिरको उठाए कपड़े, देखा है आपने? धोबी लगता है, धोबी। हम सब धोबी हैं इनके सामने वैसे। अच्छा दुबे, मैडम फटके बुला रही है आपको। थैंक यू, बाय। ये कौन है मैडम फटके? अबे फटके तो तेरे को मैं मारूंगा। चालने की मुर्गी बारने का मसाला इतनी वो नहीं करता। चला गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को मालूम है ना क्या करने का? हाँ भाई। हेलो, मैंने हरी से भी बात की, कहता है ही कांट कम। आत्माराम जी इज रियली लो, आई रियली वांट टू चीयर हिम अप। प्रिंसिपल को बोलो कि पुलिस को बुलाए। पुलिस? बिना कवर की नोटबुक साला पीछे नहीं छोड़ता है। लेकिन ये स्टोरी से प्रिंसिपल का क्या कनेक्शन है? प्रिंसिपल साहब आत्माराम जी के पुराने दोस्त हैं। मैं उन्हें पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ, सोचा सब दोस्त मिलेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। ये प्रिंसिपल है ना बहुत डिप्रेसिंग आदमी है, 3 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया है, रोटी कम खाता है, नींद की गोली ज्यादा खाता है। अरे तेरे तो मैं शाम वो रामदार है, चश्मा देख ला तू, काला कुर्ता देख के कंफ्यूज वाला। ए यू, ए यू, ए कहां गए, कहां गया वो, ए कहां गया, कहां गया, देखा उसे? पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस। ये प्रिंसिपल को देखो, स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आया तो पुलिस को बुलाता है। अरे अभी यहां था, अभी अभी भाग के गया वो। ये प्रिंसिपल है भाई, कौन गलती होने का? चल सर क्लास शुरू करें। सर चले, वो अपन को जाने का है, वो दूसरा क्लास चालू हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का। अपन आत्माराम जी के लिए एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट लाएगा ना कि दिल खुश हो जाएगा। हे यू, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आ रहा हूं सर। ये फुल मून, अरे तू रेस लगा देगा, चल आ जा। तुम बर्थडे का तैयारी करो, बाकी अपन पे छोड़ दो। तुमको आत्माराम के फेस पे स्माइल मांगता है ना, समझो डन। ए टैक्सी, कहां गया? ये माफी मांगना जरूरी है क्या? देखना चाहता हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। बोले तो चाटा मारना आसान है, माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए बेटा, ये कायरों का काम नहीं है। जाओ बेटा। इधर क्या कर रहे ले? कुछ कुछ नहीं भाई, वो आज सुबह से माँ का याद आ रहा था तो अपने यहाँ आके बैठ गया। अपुन को तेरे को कुछ बोलने का है। हाँ भाई बोलो ना। ये मत सोच के अपुन पियला है। क्या हुआ भाई? उधर टर्न हो जा, अपुन की आंख में मत देख। अपुन को तेरे को सॉरी बोलने का है। अखी रात सोया नहीं अपुन,
सब पुराना मेमोरीज वो भेजे में घूम रहा था। याद है जब अपुन को बुलेट लगा था पेट में, नींद नहीं आता था फुल नाइट। अपुन तेरे को बोला कि माँ का याद आता है, तूने सलाह अपुन का सर लेकर गोद में डाला और लोरी सुनाया अपुन को, और सलाह अपुन ने हाथ उठाए तेरे पे। अपुन भी येड़ा सलाह, रात को 3 बजे तेरे को बोला कि अपुन को चाइनीज खाने का है, और तू वो 5 स्टार में जाके वो चीनी को उठा के लेके आया। क्या हाका नूडल बनाया ना उसने, और अपुन ने तेरे पे हाथ उठाया। माफ कर देना यार, ये सब बोलने का क्या जरूरत है भाई। ए, सॉरी बोला ना। ए बापू, थैंक यू बापू, दिल हल्का हो गया अपुन का। बोल अभी क्या करने का है। लकी को प्यासे समझाना है। ये काम जरा मुश्किल है। टेंशन नहीं लेने का, बापू है ना भाई। अपन ने 115 घर खाली करवाया, 52 किडनैपिंग किए, कम से कम 250 हड्डी तो टोले रहेगा, पर कभी अंदर नहीं आया। फर्स्ट टाइम किसी को सॉरी बोला, डायरेक्ट अंदर। पब्लिक हंसेगा हम लोग पे भाई, अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया। अरे मर्डर करके तू अंदर आता तो तेरा इज्जत बढ़ता था क्या? पर भाई कम से कम किडनैपिंग का चार्ज तो लगाना चाहिए ना। हाँ तेरे को मालूम है, बापू ने सिर्फ नमक बनाया और उसको डायरेक्ट अंदर कर दिया। हाला बापू की इज्जत की तो वाट लग गई होंगी। अरे नहीं रे, जितना टाइम बापू अंदर रहा ना उतना ही उनका इज्जत बढ़ा, क्योंकि वो राइट था। अपन भी राइट काम करके 8-10 बार अंदर आएंगे तो मरने के बाद अपना भी पुता लगेगा पार्क में। हाला अपना फोटो होगा हर नोट पर, अपना इस नाम हर रोड पे, स्कूल की किताबों में अपनी ही दोस्ती के किस्से, Chapter 6 मुन्ना और सॉकेट, नेताओं के भाषण में अपने चर्चे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुन्ना सर्किट का नाम रहेगा, अपुन की बर्थडे पे मुन्ना जयंती, बोले तो बैंक हॉलिडे, अखा कंट्री में ड्राई डे। नहीं नहीं ड्राई डे नहीं यार। चलो बेल हो गया। देन थैंक यू, बोले तो तुमने अपुन को बाहर निकाला। नहीं मुरली, थैंक यू, तुम अपने लिए अंदर गया। इमोशनल टची मोमेंट, एक रात काफी थी कि फुल लाइव वास्ते अंदर करवा दूं। फिर तो अपने नाम की सिटी बनेगी। हाँ? नागपुर, कानपुर, मुन्नापुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, सर्किटाबाद, जामनगर, उल्लास नगर, मुन्ना नगर। क्यों पंगा ले रहा यार, साड़ी ताकत का अंदाजा नहीं है तेरे को? अरे मेरे पास पुलिस है, पावर है, पैसा है, तेरे पास क्या है? अपुन के पास, अपुन के पास बापू है, मामू। ए अंकल, तू बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है अंकल, ऐसी लड़की तेरे बेटे को फिर नहीं मिलेगी। कौन सी लड़की इतने सारे पब्लिक के सामने सच बोलने की डेयरिंग करेगी अंकल? हाँ अभी वो 11:55 को पैदा हुई तो इसमें इसका क्या मिस्टेक है अंकल? अरे कॉमन सेंस है यार, इसमें तारों सितारों को काय को इन्वॉल्व कर रहे। तो महाशय आप क्या चाहते हैं, ग्रहदशा जानकर भी हम अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दें? तू कौन है बॉस? मैं ज्योतिष हूँ, बटुक महाराज। आला तेरी तो ये वो भाई अपना बुढ़े लोग घर है ना, इसकी वजह से क्या? अभी नया स्टोरी लाया साला, कि अगर ये शादी होगा तो लड़का मर जाएगा, तेरे को कैसे पता? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं। देख तेरी बात रॉन्ग भी हो सकती है ना बॉस, आज तक तो हुई नहीं है भाई। ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट में ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर, मैं बोलता हूँ अपन कभी हारेंगे नहीं, 1100 नॉट आउट। मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो तुम। ए, जब सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, अखी मुंबई में पानी भर गया था, तब किधर गई थी तेरी विद्या? ए, बात सुनो, मैं मौसम की जानकारी नहीं देता हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो बता, अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है अपने को क्या मालूम,
तू जो दिख रहे अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंकट आने वाला है क्या? संकट क्यों आएगा? ए सर्किट बंदूक निकल। ए देख संकट। ए सर्किट एम लगा। देखो अपन सारा 10 तक गिनेगा, 10 के बाद गोली चला देना। हाँ बिंदास। देखो तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ए बटोक हाँ। तेरे को अपनी कुंडली पर फुल कॉन्फिडेंस है ना? देख साला हिलेगा नहीं यार। नहीं मजाक थोड़ी। सुनो तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। भाई और बहनों डरने का नहीं, अपन बहुत अहिंसक आदमी है, लेकिन अपन शोर है कि गोली इसका खोपड़ी से पार हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं होगा। ए हटो, गोली थ्रू एंड थ्रू जाने वाला है। इसको इसको क्या कर रहे हो तुम? क्या हटाओ इसको। मैं सुनो दो, मैं कहता हूं बंद करो इसे। तीन, तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरी बात? हटाओ ना यार। पांच, सुनो यार मेरी बात सुनो तुम। आप लोग कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे घर बुलाकर कोई करता है क्या? आप तो कुछ करिए। राज्य किया बस 10 नहीं बोलो तुम। अरे भाई तो टपा गया। तेरे को सॉरी बोलने का है। अंकल जिसको खुद का भविष्य नहीं मालूम वो दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? ये शादी मत रोक अंकल, अपन तेरा हाथ जोड़ता है। ए! कोई समझा ना इसको। अरे कोई कुछ बोल तो इसको। अपन तो साला येड़ा है फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। तुम समझदारों को ये बात समझ में नहीं आती क्या? ये सर्किट अच्छा हुआ बापू रेल में नहीं है यार। आज वो यहां होता ना तो ये डरे हुए लोगों का देश को देखकर बहुत रोता था यार। वो बोल बोल के मर गया कि सच बोलो, लेकिन आज कोई भी सच बोलता है ना तो लोग उसकी वाट लगा देते हैं। ये लड़की ने डेरिंग की तो बारात रिटर्न। चल सर्किट लेके चल अपन को अंदर, नहीं रहने का अपन को इन समझदार लोगों के बीच में।